अरे शुरू। मेरा नाम सूरजलाल है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरका में पढ़ने वाला 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और इसका नाम है बलजीत। मैंने और इसने मिलकर एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। और इस सिस्टम में जब खेत में पानी भरा होता है तो मोटर बंद हो जाती है और जब खेत सूख जाता है तो उसमें मोटर खुद अपने आप चलने लगती है। और इसमें हमने सामान का यूज किया है, तीन बैटरी और तीन स्विच जिसमें हमने एक ट्रांसिस्टर का प्रयोग किया है और एक रिले का प्रयोग किया है और तीन बैटरी और तीन स्विच हैं और एक वाटर पंप का प्रयोग किया है। और अब हम इसे प्रयोग को करके दिखाते हैं। पहले ये दो, अब हम इस प्रयोग को करके दिखाएंगे। पहले हम इस स्विच को ऑन करेंगे और बाद में इसको करेंगे। ये देखो जहाँ से पानी निकल रहा है, और यदि हम इसको इसमें पानी में डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे हमारी पानी की बचत होती है। ये देखो, इस प्रकार यदि ही चिप ढीली होगी तो मोटर बंद हो जाएगी और जब चिप सूख जाएगी तो मोटर चालू हो जाएगी। यदि हम इस चिप को इसमें डालते हैं तो ये बंद हो जाती है।